इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं RNS वर्ल्ड स्कूल झांसी, शिक्षा संस्कार सक्सेस। प्यार बड़ा अच्छा शब्द है प्यार, और इस प्यार में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, और होते होते कभी कभी हम बहुत कुछ भावनाओं में बह जाते हैं, और कभी कभी हमसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं और वो सामने वाला इतने अच्छे अच्छे काम कर देता आपके साथ में कि आप चाह कर भी उसको थैंक यू नहीं बोल पाते। कभी कभी ये चीज़ें हमारे फैमिली में भी होती हैं, हमारे पापा भी हमसे बहुत कुछ कह देते हैं, कभी अच्छा भी कहते हैं बुरा भी कहते हैं। अब बुरा क्यों कहते हैं वो तो खैर पता ही है क्यों कहते हैं, अच्छा जब करते हैं तो थैंक यू कहना भूल जाते हैं। यही चीज़ें हमारे दोस्तों के साथ होती हैं, हमारे दोस्त बहुत होते हैं और सब दोस्त आपके बारे में अच्छा जानते हैं, लेकिन कभी कभी समय अभाव के कारण से या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप उनको थैंक यू नहीं कह पाते हैं। हालांकि मैंने प्यार किया फिल्म में बोला गया है कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, और दिल की बात दिल में अगर रहेगी तो हम कब कहेंगे। न्यूज बी की ऐप ने लेके आया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप लोगों से कह सकते हैं दिल की बात, सॉरी या थैंक यू, जो कहना चाहें कह सकते हैं, अपने जज्बात को इतना पिरो के बता सकते हैं न्यूज बी के प्लेटफॉर्म। न्यूज बी के लेके आया आपके लिए ऐसी जगह जहां पर आप अपनों को इनसे प्यार भी करते हैं आप उनको भी, और उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनको भी, अपने पापा को, अपनी मम्मी को, अपनी बहन को, अपनी सिस्टर को और अपनी उनको भी, है ना। खैर कोई बात नहीं, ये सब चीजें होती रहेंगी और मैं आपको आपके बीच में आपके अपनों तक की बातें पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं राज बच्चन और आप देख रहे हैं न्यूज बीके, और न्यूज बीके का ये प्रोग्राम है थैंक यू न्यूज बीके। तो दोस्तों शुरू करते हैं सिलसिला और बात करते हैं ऐसे लोगों से जो थैंक यू कहना चाहते हैं। हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अपना वीडियो भी भेज सकते हैं हमारे पास, और अगर वीडियो नहीं भेज सकते हैं तो आप अपने जो फ़ोन नंबर यहां पर डिस्क्रिप्शन दिए गए होंगे उस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर अपने जज्बात को, अपने एहसास को, अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं। देखिए एक फ़ोन आ चुका है हमारे बीच में और बात करते हैं, आइए बात करते हैं उस फ़ोन पर। कहते हैं अगर सर आपकी आवाज इसमें रिकॉर्ड हो रही है और आपकी आवाज रिकॉर्ड होकर हमारे सिस्टम पर जा रही है। अच्छा हाँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ आपके बीच में। हमारे साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको कभी हम थैंक्स नहीं कह पाते हैं। आज हम एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में किसी को बहुत ज़रा किसी से आपको हुआ हो और आप कभी आपको लगा हो कि मुझे उसको थैंक यू बोलना चाहिए था पर थैंक बोल ना पाया हूँ। आपका समय शुरू होता है अब, बोलने की अवधि है 2 मिनट। हाँ, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों का जिनको मैं कभी भी शुक्रिया अदा नहीं कर पाया, जिनको धन्यवाद नहीं कह पाया। बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ कि कई शहरों में, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में मुझे मौका मिला और मैं गया, और वहाँ उन्होंने अनजाने में ही मेरी मदद की, और वो मदद को मैं कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया क्योंकि कभी भी उनसे मौका नहीं मिला मिलने का। तो मैं उनके लिए तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ में आफाक भाई, अपनों से अपनों तक की बातें आप देख रहे हैं न्यूज बीके, थैंक यू न्यूज बीके। चलिए अब अगले हम कॉलर से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ अगर आप भी कहना चाहते हैं किसी को थैंक यू अपनों को, तो प्लीज मौका मत छोड़िए। ये मौका मिला है आपको थैंक यू कहने का, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिर्फ और सिर्फ आपके अपनों तक की पहुंचा रहा है थैंक यू। क्योंकि हमने बताया ना, कभी कभी हम लोग कह नहीं पाते हैं, अपने जज्बातों को पिरो नहीं पाते हैं, तो न्यूज बीके को देखते रहिए और अपने थैंक यू हमें भेजते रहिए, और आपके थैंक यू जो होंगे वो आपके अपनों तक पहुंचाएंगे। चलिए अब अगले कॉलर से हम बात करेंगे, अगले कॉलर कौन होंगे, अगले कॉलर कौन है, किसकी है घंटी ये। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज बीके में। धन्यवाद। हाँ, होता ही है कि हम लोग लाइफ में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको हम थैंक्स कहना चाहते हैं, पर कुछ रीजन ऐसे होते हैं कभी इनको थैंक्स कह नहीं पाते हैं मौके पर।
न्यूज वीक लेके आए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप लोगों को कह सकते हैं, उनको यानी उनको प्यार करते हैं या जिनसे कभी आपको लगता है कि यार उन्होंने हमारी हेल्प की थी पर मैं उनको थैंक्स नहीं कह पाई, तो प्लीज अगर आप ऐसे लोगों को थैंक्स कहना चाहती है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। ओह ग्रेट, दैट वाज अ सरप्राइज इंडीड। यार अच्छा, तो मेरी लाइफ में से बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मैं थैंकफुल हूँ, बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, एंड आई कीप एक्सप्रेसिंग। बट हाँ, आई वुड एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू माई मदर इन लॉ इन माई लाइफ बिकॉज शी वॉज अ ट्रू मेंटोर। वो मेरे लिए बहुत मेरी सफलता के पीछे उन्होंने बहुत काम किया है। कई बार उन्होंने डांटा, कई बार उन्होंने मेरे को ट्रैक किया, कई बार सिचुएशंस क्रिएट हुई, पर आज मुझे लगता है कि जो भी क्वालिटीज मेरे अंदर डिफाइंड हुई, जो भी मैं कर पाई हूँ, सारा उनके सही निर्देशन की वजह से कर पाई हूँ। एंड देन मेरी लाइफ में बहुत सारे मेंटोर्स रहे विद द टाइम, और बहुत सारे कई ऐसे किरदार थे जहाँ पे मुझे किसी ना किसी ने मेंटोरशिप की। तो अगर मैं ऐसे लिस्ट स्टार्ट करूँ दैट वुड बी एंडलेस। बट हाँ, मेरे एक गुरु रहे जिसमें वो भी गुरु की भी एक लिस्ट है। मेरे एक मेंटोर रहे देवराज चतुर्वेदी जी, एक मेंटोर रहे रजनी श्रीवास्तव जी, जिनको मैं हमेशा हृदय से आभार देती हूँ। बात करिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज वीक के ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए थैंक्स करने का स्लॉट बनाया है जिसमें आप अपने दिल की बात अपनी कह सकते हैं। कभी कभी होता यही है कि हम अपनी बात कह नहीं पाते हैं और थैंक्स कहने का रीजन ढूंढते हैं, कारण ढूंढते हैं, आखिर वो कारण और रीजन कैसे हो, क्यों बने। तो थैंक यू, तो मैं बीके न्यूज को भी बोलूंगी क्योंकि उन्होंने कैसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं खुल के आभार व्यक्त कर पा रही हूँ अपने मेंटर्स का। थैंक यू न्यूज बीके। थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है थैंक यू न्यूज बीके। जब थैंक यू की बात आती है तो मेरा भी तो राइट बनता है ना थोड़ा बहुत तो थैंक यू कहने का। अब मैं थैंक यू किसको बोलूं? अरे थैंक यू मैं बोलना चाहता हूं आज के हमारे जो प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूं।
RNS वर्ल्ड स्कूल, सबसे अच्छा उत्तम स्कूल। अपने बच्चों का एडमिशन तुरंत दिलाएं। अब दिल से दिल तक की बात जो करनी है वो समझ तो गए होंगे। अरे भाई साहब, जी हाँ आपसे कह रहा हूँ भाई साहब, आपकी वाइफ भी बहुत काम करती है दिन भर बिना छुट्टी के। थैंक यू कह देना, नाम लेके बोलो ना वाइफ का, किसी और का नाम लेके कौन बोलोगे आप, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, और अगले कॉलर से हम बात करने से पहले बता देना चाहते हैं कि आप हैं छतरपुर से कॉल हुक की जा रही है रक्षा से। हेलो रक्षा जी, कैसी हैं आप? आई एम गुड एंड यू? रक्षा जी, न्यूज बी के एक प्लेटफॉर्म लेके आया है थैंक यू कहने का। थैंक यू कहने का मतलब ये हुआ कि हम लाइफ में हमारे साथ में बॉस लोग ऐसे होते हैं, इनको कभी अपनी बातें हमको थैंक नहीं कह पाते हैं कभी कभी। अपनी फ्रेंड को थैंक यू बोलना चाहूंगी। मेरी फ्रेंड का नाम जानू शुक्ला है, वो उसको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि उसने मुझे हर फील्ड में मुझे सपोर्ट किया है, मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, और मैं उसकी जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। He's my best friend always। यानी कि अपने अपने आप बहुत ही करीबी दोस्त को देना चाहती हैं थैंक यू कहना चाहती हैं आप? Yeah, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि माँ बाप का कोई गाना डेडिकेट करना चाहें तो कौन सा गाना गाएंगी आप? Always I sing तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है माँ। प्लीज गा के सुनाइए ना दो लाइन। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। थैंक यू सो मच, आपने न्यूज बीके को टाइम दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने लोगों को बताएंगे इस बात को कि थैंक यू कहना है तो न्यूज बीके की प्लेटफॉर्म पर आप अपने अपनों को कह सकते हैं थैंक यू। थैंक यू न्यूज बीके में आपका स्वागत है, मैं हूँ राज बच्चन और सिलसिला चल रहा है थैंक यू कहने का। ऐसे ही हमारे पास थैंक यू कहने के लिए एक और कॉलर पे है हमारे बीच में। हेलो। हेलो, हाँ नमस्ते जी। नमस्ते, न्यूज वीके में आपका स्वागत है। थैंक यू। न्यूज वीके एक प्लेटफॉर्म लेके आया आप सब लोगों के लिए जिनको आप थैंक्स कहना चाहते हैं। कभी कभी हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम कभी थैंक्स नहीं कह पाते। शिवांगी जी, हमारे लाइफ में बहुत से लोग होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन छोटे भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने भी उनको कह देते हैं कोई ना कोई बात पर, नाराज हो जाते हैं बाद में लगता है कि शायद हमने कभी गलत तरीके से बोल दिया। क्या कभी आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है? सॉरी बोलना था मम्मी को, लेकिन अब वो सुनने के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी बोल दूंगी। जब इवन आज सेकंड आई थिंक थे क्लास सेकंड या थर्ड में, तो क्या होता था कि फैमिली में मम्मी मेरी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो थोड़ा क्या साड़ी वाड़ी पहने रहती थी थोड़ी मेरी मम्मी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उन्हें ले जाना, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता था। तो फिर बाद में जब एहसास हुआ ना, जब माँ नहीं होती है, जब वो एहसास हुआ कि माँ नहीं होती है तो सब कुछ खत्म हो जाता, तो मम्मी को ही सॉरी बोलेंगे क्योंकि जिसने हमें जन्म दिया हम उसी से इतना शर्मिंदा फील कर रहे थे, तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, तो सॉरी तो मम्मा को ही बोलेंगे। थैंक यू आपने इतना समय दिया बात करने के लिए। जिंदगी में माँ बाप एक ऐसी चीज होती है जो कभी नहीं मिलती, और माँ बाप अगर चले जाए हमसे दूर तो हमसे जिंदगी भी चल जाती है और वो कहीं ना कहीं अधूरी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने हमको वीडियोस भेजे हैं थैंक यू कहने के लिए, यानी कि हमको थैंक यू कहने के लिए उन्होंने अपने को अपनों तक की बात पहुँचाने के लिए ये जरिया लिया है, हमको वीडियो क्लिप भेजे हैं। उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो क्लिप आप देखेंगे और देख के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर देंगे, ठीक है ना। तो बस आज तो इनकी बारी है, कल होगी आपकी बारी, भूल ना जाना मेरे प्यारे मेरे डियर मेरे प्यारे थैंक यू न्यूज बीके को, और न्यूज बीके पर आप अपनी थैंक्स भरी बातें कहते हैं। और प्लीज जो हमारा सब्सक्राइब का बटन है टन उसको जरूर बजाइएगा, ठीक है ना। देखते रहिए न्यूज बीके और देखते हैं ये क्लिप। Thank
अच्छा दिस साइड, आई होप आप सब सेफ होंगे। सो मैं एक छोटा सा अपना हादसा शेयर करूंगी, हादसा नहीं इमरजेंसी सिचुएशन कह सकते हैं आप। तो मुझे बहुत अर्जेंट दिल्ली जाना था और मेरे पास रिजर्वेशन भी नहीं था एंड मैं बहुत घबराई थी कि यार रिजर्वेशन भी नहीं है, टीसी या ना आ जाए, स्लीपर या मैं बैठ गई हूँ मैं। बट एट द सेम टाइम मुझे एक कलीग मिली जिसने पूरी रात अपनी सीट मेरे साथ शेयर की। बट इन द मॉर्निंग जब उसको थैंक यू बोलने का सोचा तो वो चली गई एंड आई डोंट हैव अ कॉन्टेक्ट नंबर टू। सो थैंक यू फॉर दिस लवली जर्नी एंड लवली सपोर्ट एंड थैंक यू बीके न्यूज फॉर दिस लवली अपॉर्चुनिटी। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं वीके न्यूज़ को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड को थैंक्स कर सकती हूँ। वो क्या है ना, कभी हम लोग अपने फ्रेंड्स को सामने से तो थैंक्स बोल नहीं पाते क्योंकि फील नहीं आता है। इसलिए मेरा भी एक फ्रेंड है विकास मिश्रा जो कि मेरा कॉलेज फ्रेंड है, मैं उसको सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और हमेशा हर काम में मेरा सपोर्ट करता है। एक्चुअली हर काम में, मतलब जैसे कि पढ़ाई में, मतलब पढ़ाई की तो उम्मीद उससे नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ बाकी सारे काम में, किसी को मारना पीटना हो, दंगे फसाद मस्ती, बाकी सारी चीज़ों में मेरा सपोर्ट करता है। माना वो थोड़ा सा इरिटेटिंग है, किसी काम का नहीं है, लेकिन जैसा भी है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सो मैं उसको थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू विकास, ऐसे ही हमेशा मेरे साथ में रहना और बस यही मेरी वैसे कि हम लोग हमेशा फ्रेंड्स रहे। थैंक यू विकास एंड थैंक यू वीके न्यूज। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनवरा, आई रीड इन क्लास फर्स्ट। मैं अपने पापा के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। थैंक यू पापा मेरे बर्थडे पे एक कार लाने के लिए और मेरी हर चीज में हेल्प करने के लिए। थैंक यू वीके न्यूज, आपने मुझे ये कहने का मौका दिया। हाय, आई एम अनन्या और वीके न्यूज ने मुझे मौका दिया है। जिन लोगों को मैं थैंक यू नहीं बोल पाई हूँ उन लोगों को थैंक यू बोलने का, तो थैंक यू वीके न्यूज। और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जैसे डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स और नर्सेस, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी रक्षा में लगे रहे हैं, हमारी सर्विस में हैं वो। और थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। हे आई अरिबली, और थैंक यू सो मच पीके न्यूज़, आज आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आज यहाँ अपनी बात बोल पा रही हूँ। मैं अपनी बेस्टी, अपनी फ्रेंड को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, ऋचा राठौर को, जो कि हमेशा मेरे सपोर्ट में, हमेशा मेरे साथ खड़ी होती है। मैंने उसे कभी भी फेस टू फेस, मैंने कभी भी उसको ऐसे थैंक यू नहीं बोला है, बट आज मेरे को वीके न्यूज़ ने प्लेटफॉर्म दिया कि आज मैं उसको थैंक यू बोल पा रही हूँ ऐसे। सो थैंक यू सो मच ऋचा, हमेशा मेरा सपोर्ट करने के लिए, हमेशा मेरे साथ खड़े होने के लिए, और मेरी कोई भी प्रॉब्लम हो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच ऋचा, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच वीके न्यूज़ फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू वीके न्यूज़ फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी to say thank you to the people I could not say or I have not said। तो ये सबसे पहला thank you जाता है मेरी मम्मी को। माँ, हाँ कभी आपको बोला ही नहीं thank you, और कितनी बातों के लिए आपको thank you बोलना है समझ ही नहीं आ रहा। तो इसीलिए thank you for being you, thank you for giving birth to me, thank you for choosing me, thank you that you are there। और दूसरी है मेरी छोटी बहन सुजाता। सुजाता मुझसे छोटी ज़रूर है पर हमेशा एक सपोर्ट, एक पिलर, हमेशा हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है और हमेशा रहती है, सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर। आज वो मुझसे दूर है, फिजिकली हम लोग दूर हैं, पर हमेशा मन से साथ रहते हैं। थैंक यू सुजाता फॉर ऑलवेज बीइंग देयर बाय माय साइड। मेरा छोटा भाई विवेक, हाँ आप सच सुन रहे हैं क्योंकि ये रिश्ते हैं जिन्हें हम कभी थैंक यू, शायद मैं क्या बहुत सारे लोग हैं जो शायद कभी थैंक यू बोल ही नहीं पाते हैं। हाँ, मैं वीके न्यूज़ को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने का मौका दिया, तो थैंक यू वीके न्यूज़। और ये जो मैं कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर, नर्सेस, जो अपनी जान की परवाह के बगैर हमारी सेवा में लग रहा है कि हमारे पास कोई
बोलना है मुश्किल वैसे तो सबसे पहले मैं न्यूज़ बीके का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। न्यूज़ बीके ने मुझे आज उन लोगों को थैंक यू कहने के लिए प्रेरित किया है। एक बार की बात है, मैं एक नाजमा आपकी पत्रकार हूँ झांसी से, मैं कवरेज के लिए जा रही थी और उस समय मेरी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में और मैं घटना स्थल पर पहुँचने में असमर्थ थी। उस समय मुझे एक भाई मिले रास्ते में जिन्होंने मुझे वहाँ तक ड्रॉप किया और मेरी गाड़ी सुधरवाने में भी मेरी मदद की और मैं उनको थैंक यू नहीं बोल पाई। सो अगर वो भाई मेरी इस वीडियो को देखे, मेरी इस नया जो प्रोग्राम है इसको देख के, इसके माध्यम से मैं उन भाई को बहुत बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे उस खबर को बनाने में, वहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद की थी। न्यूज़ बीके का बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू भाई आप जो भी थे। हेलो टू ऑल, इट्स मी वर्तिका। मैं अपनी बड़ी सिस्टर और मैं अपनी फ्रेंड निश्मिता को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि उनने मेरी हर चीज़ में मेरी हेल्प की है। अगर मुझसे कोई मैथ्स का असाइनमेंट सॉल्व नहीं होता तो वो ही सॉल्यूशन देती है मुझे। और थैंक यू बीके न्यूज़ कि आपके थ्रू योर न्यूज़ चैनल मैं उनको थैंक यू बोल पाती हूँ क्योंकि मैं हमेशा जब भी वो हेल्प करती हैं मैं उनको थैंक यू बोलना फॉरगेट कर जाती हूँ। थैंक यू बीके न्यूज़ एंड थैंक यू टू निश्मिता। गुड इवनिंग गाइस, मैं अपने मम्मी पापा को थैंक यू इसलिए बोलना चाहती हूँ, मेरी बहुत केयर करते हैं, मेरे लिए बहुत सारे टॉयज लाते हैं और मुझे घुमाने ले जाते हैं, मेरे बर्थडे पे बहुत सारे सरप्राइज प्लान करते हैं और मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स लाके देते हैं। थैंक यू सो मच बीके न्यूज़ जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, जिसने मुझे अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलने का मौका दिया। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वाति सक्सेना, मैं रामपुर में रहती हूँ। आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी फ्रेंड को जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत एक अहम रोल निभाया है, जिसने हर समय मेरी मदद की है, मेरा साथ दिया है, आज बीके न्यूज़ ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं उसे थैंक यू बोल सकूँ। तो मैं अपने दिल की बात उस तक पहुँचाना चाहती हूँ कि थैंक यू नम्रता, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर इन माय लाइफ, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माय होल लाइफ, तुम बहुत अच्छी हो, आई लव यू सो मच, थैंक यू बीके न्यूज़ कि आपने मेरी दिल की बात उस तक पहुंचाई, थैंक यू न्यूज़ बीके, आपने मुझे एक मौका दिया थैंक्स बोलने का। दोस्तों, मैं न्यूज़ बीके में आपके माध्यम से अपनी बहन को थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिसका नाम शिवानी है, जो हर समय मेरे साथ खड़ी रहती है, चाहे खुशी हो या दुख हो, हर समय अपने वैल्यूएबल सजेशन देकर मेरा हौसला बढ़ाती है और मुझे आगे की राह दिखाती है। थैंक यू शिवानी और थैंक यू बीके न्यूज़ इस सुंदर प्लेटफॉर्म को देने के लिए। बच्चे बनकर ही तो आए थे हम सब, एक दूसरे से कितने पराए थे हम सब, कॉलेज और स्कूल के दिनों में हम सब एक हो गए, एक दूसरे से मिलने और जुलने के बहाने अनेक हो गए। मैं आज न्यूज़ बीके के माध्यम से धन्यवाद पेश करना चाहता हूँ अपने सभी दोस्तों का जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में किसी ना किसी तरीके से मेरी मदद की और मेरी लाइफ को, मेरी ज़िंदगी को एक रोमांचक बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और जैसे कि आपको मालूम है, कॉलेज लाइफ में अगर कोई बाहर जब पढ़ने जाता है तो उस दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ होता है, दोस्त का एक बहुत बड़ा रोल होता है हर तरीके से, हर संभव मदद पहुंचाने का, चाहे वो फ्लैट में हर चीज़ों का अरेंजमेंट करना हो, खाने पीने से लेकर गैस सिलेंडर से लेकर हर चीज़ का, और चाहे वो बाहर आउटिंग्स और कॉलेज के असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम्स में लास्ट नाइट स्टडीज़ वगैरह। तो आज न्यूज़ बीके के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सारे दोस्तों का, प्रबल, सुनील, मंडू, शुभेंद्र, प्रबल और राजा, सौरभ, सारे दोस्तों का, जितने भी जो पूर्व पांडे और भी जो दोस्त छूट रहे हैं सबका धन्यवाद पेश करना चाहूँगा न्यूज़ बीके के माध्यम से कि आपने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरी ज़िंदगी में। वैसे तो ये सब चीज़ें धन्यवाद पेश करने का कभी मौका नहीं मिलता है, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी को धन्यवाद पेश करता हूँ। थैंक्स फॉर माय स्पेशल फ्रेंड जिससे मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने
पूरी लाइफ के लिए जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं बीके न्यूज़ चैनल को जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं थैंक्स बोलने के लिए। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्त तुम्हारा, जो तुमने मुझे जाने अनजाने में बहुत सा सपोर्ट किया है। हेलो, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने डैड का जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया और ये खुशहाल ज़िंदगी दी, मुझे ऐसे माहौल में खड़ा किया जहाँ मैं उन्नति की तरफ बढ़ रहा हूँ। और मैं शुक्रिया अदा फिर से करता हूँ पापा आपका कि आपने मुझे बहुत कुछ किया है मेरे लिए। और वैसे तो मैं आपका शुक्रिया अदा कभी उतार ही नहीं सकता, मतलब कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं आपको एक बार न्यूज़ बीके के माध्यम से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि न्यूज़ बीके ने मुझे इतना सुनहरा मौका दिया मेरे डैड को थैंक्स बोलने का। और मैं न्यूज़ बीके का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि थैंक यू न्यूज़ बीके। राहे वफा से खुद को हटाना पड़ा मुझे, राहे वफा से खुद को हटाना पड़ा मुझे, गम में भी यारों मुस्कुराना पड़ा। होता है ना कभी कभी हम गम में भी होते हैं पर मुस्कुरा के बात करते हैं, तो बस गम को साइड में कीजिए और न्यूज बीके के प्लेटफॉर्म पर आगे थैंक यू कहने का मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिए। देखते रहें न्यूज बीके, थैंक यू न्यूज बीके, अपनी बात अपनों तक पहुंचाते रहें न्यूज बीके में।